राइफल मैन जसवंत सिंह रावत जो थे, मैंने उनके बारे में यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी पढ़ा था, सुनता था उनकी स्टोरी कि एक ऐसा हीरो था जिसने 1962 में हमारे देश के लिए इस तरह की लड़ाई लड़ी है, इतनी वीरता से लड़ाई लड़ी है कि जो आज तक उनकी गाथा लोग सुनाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि इस हीरो के ऊपर पिक्चर बनानी चाहिए, जबकि ये मेरा फील्ड नहीं था, लेकिन मैंने फिल्म से हट के उस हीरो को अपने देश के आगे, अब लोगों के आगे, इस दुनिया के सामने मैं दिखाना चाहता था। जो कहानी पिछले 50-55 सालों से दबी हुई थी, जिसके कारण अरुणाचल प्रदेश आज इंडिया का हिस्सा है, और उस वीर ने जो जिसने अपनी जान दी और इस प्रॉपर स्टेट को बचाया चाइना से, उसकी कहानी आज तक किसी ने नहीं सुनी। हम लोग लौटे ना लौटे, ये बक्से लौटे ना लौटे, लेकिन हमारी कहानियां जरूर लौटेंगी। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत एक ऐसा हीरो है जो कि हमारे देश के लिए लड़ तो रहा है, मगर वो किसी को दिख नहीं रहा है। तो मैं बहुत, मतलब ये चीज़ सुनने के बाद और देखने के बाद मेरे अंदर ईगरनेस आ गई थी कि ऐसा कौन सा इंसान है जो अभी भी मतलब बॉर्डर पे खड़ा हुआ है और देश की सुरक्षा कर रहा है। मेरे डैड ने कल मुझे कहानी सुनाई थी अबाउट जसवंत सिंह रावत, और वो दिमाग में कहीं ना कहीं मेरे बैठ गई बात। पर उसके बाद जब मैं एक्टर बन गया, रंगमंच करना शुरू किया, फिर बॉम्बे चला गया, फिर एक फिल्म कर ली, तो आई वॉज सर्चिंग फॉर अ कैरेक्टर कि ऐसा कैरेक्टर कौन सा मुझे मिले जो मैं प्ले कर सकूं। तो मुझे मेरे डैड की बात याद आई कि वो एक कैरेक्टर था राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। बट आई वॉज वेरी क्लूलेस कि हाउ आई स्टार्ट माई जर्नी, हाउ आई स्टार्ट राइटिंग ऑन दिस कंटेंट, क्योंकि जो मैं गूगल पे पढ़ रहा था, जो मैं अलग अलग जो मुझे इन्फॉर्मेशन गैदर में कर रहा था, वो सफिशेंट नहीं थी मेरे लिए एज ए राइटर। इसके लिए हम अरुणाचल प्रदेश गए, टवांग, जहाँ पे जसवंतगढ़ है, वहाँ पे हमने कुछ शूट किए। उस समय हमारे पास बहुत छोटा सा फ़ोन था, उससे हमने कुछ 250-300 फ़ोटो लिए। उसके बाद हमारे पास आगे जाने का कोई साधन नहीं था, फिर वहाँ के एक मेजर ने हमें सपोर्ट किया, हमें वहाँ अपने जगह तक छोड़ा। कुछ जगह हमने पूछताछ की, देखा हमने बंकर उंकर सब देख के आए हम। तो फिर कुछ ऐसी और रिसर्च किया, तो वहाँ से मुझे उनकी अर्ली लाइफ के कुछ रेफरेंसेस मिले, मगर वॉर में कैसे वो चीज़ें हो रही थी वो पता करना बड़ा ट्रिकी काम था मेरे लिए। जो मेरे रंगमंच के लोग थे, उन्होंने मुझे बताया कि उस वॉर में 3 लोग थे जो अभी भी जिंदा हैं, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर था गोपाल सिंह गुसाई। तो गोपाल सिंह गुसाई भी उस समय जिंदा थे, जो बड़ा मेजर टूल था मेरे लिए, क्योंकि उस समय मेरे पास कोई प्रोड्यूसर नहीं था, उस समय वो एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ नहीं थी कि आप बहुत इजीली वहाँ तक पहुँच जाओ। तो वो सफ़र जो है वो मुझे बाइक से तय करना पड़ा। मैं गढ़वाल गया और मैं गोपाल सिंह गुसाई से मिला, और उन्होंने मुझे बताया कि वो 150 लोगों की बटालियन थी, जो सारे के सारे पहाड़ी लोग थे। फिर जब मैंने उनको जसवंत सिंह के बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि यस, जसवंत सिंह मेरे साथ था, और ये एक बड़ी चीज़ थी मेरे लिए कि वो इंसान जो वॉर बैटल में था उसके साथ, वो मुझे बता रहा था कि यस, जसवंत सिंह मेरे साथ था, और वो किस तरह का इंसान था। फिर मैं गोलखंड मिलिट्री स्कूल गया, उन्होंने मुझे बताया कि जो मुझे डॉक्यूमेंट्स में मिला फाइनली, कि जो वजह थी जसवंत सिंह की स्कूल छोड़ने की, वो कहीं ना कहीं गरीबी थी। वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, पढ़ने में तेज था, मगर हालात और परिस्थितियाँ कुछ ऐसे बन गए, जो सर्कमस्टांसेस थे उसकी लाइफ में, क्योंकि वो उस जो एक सर्टिफिकेट होता है जब हम स्कूल छोड़ते हैं, तो उसमें था कि क्योंकि वो पैसों का अभाव था, और उस वजह से उसने वो स्कूल छोड़ा। तो ये जो चीज़ था अभी तक, क्योंकि मैं वॉर हीरो के तौर पर ही जसवंत सिंह से मुखातिब हुआ था, मगर मुझे मालूम चला कि वो भी एक पहलू था उसके जीवन का, कि जब वो गरीबी से जूझ रहा था, वहाँ भी वो लड़ रहा था। तो वहाँ से जसवंत सिंह का जो कैरेक्टर है वो धीरे धीरे मेरे जीवन में एंटर करने लगा। पिताजी देख कितना लंबा लंबा पैदल चलते हैं,
अगर पिताजी के लिए साइकिल ले लेते मैं तो कितना अच्छा हो जाता ना। मैं अविनाश जी से जब मिला था तो इस फिल्म में एक्टिंग के लिए मैं गया था, तो साथ रहते रहते कुछ बातचीत ऐसे खुलासे हुए कि उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप कुछ लिख भी सकते हैं, तो मैंने हामी भरी और उन्होंने मुझे एक चंक दिया चॉप करने के लिए, तो मैंने उनको जो चॉप करके दिखाया तो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि अब आप इस फिल्म में एज अ एक्टर तो जुड़ ही रहे हैं, एज अ डायलॉग राइटर भी आप जुड़ रहे हैं। मुझे ले जाते थे गंगा जी के किनारे चलो, फिर वो बोलते थे कभी कहीं चलो, अजीबो गरीब सेटिंग्स होती थी। अगर उनको आप रात को 2:30-3 बजे भी बोलते सर उस सीन में क्या होता था, तो बिल्कुल अलर्ट हो जाते थे, खड़े हो जाते थे। बाद में हम सोचते थे यार काय को मतलब पंगे ले लिए वो, क्योंकि वो सुनाते सुनाते सुबह 6-7 बजे फिर बोलते थे गुड नाइट, हम बोलते सर आपको कोई गुड नाइट नहीं, अब चाय पिलाओ अब नया काम शुरू करते। हाय गाइस, अगेन आई एम इन चोफ्ता। ये जो लोकेशन है ये मेरे दिमाग में थी, ये इसको वॉर बैटल बना सकते हैं। और ये देखो उसे, और ये फायर कर, ये फायर किया, क्या को लगता है वॉर बैटल बन सकता है पूरा? माइंड ब्लोइंग जगह है, यहाँ से ये चला गया, यहाँ से ये चला गया उधर ऊपर, वहाँ से ऊपर, फिर वहाँ से उधर, और देखो पेड़ जो है कोने। उत्तराखंड हमने घूमना शुरू किया और हम लोग चोफ्ता गए, नीति माना गए, एक वैली है नीलांग वैली, चीन भी कहीं ना कहीं वहाँ से मिला हुआ है, उस बॉर्डर तक हम लोग गए। पर चीज़ें वैसे नहीं हो पा रही थी क्योंकि इतना सारा क्रू होने वाला था, वो मुझे पता था कि वो चाइनीज़ आर्मी भी आएगी, वो इंडियन आर्मी भी होगी, फिर क्रू भी होगा, अब इतने सारे तामझाम को लेके मैं कैसे आऊँगा। तो हम लोग और घूमे और वहाँ से शहर बड़ा दूर था, और क्योंकि उत्तराखंड में सारे जो शहर हैं वो लगभग पहाड़ी शहर है, वहाँ पर सुविधाएँ इतनी जल्दी मुहैया कराना बड़ा मुश्किल काम है। तो कहाँ करें लोकेशन, हम लोग घूमे घूमे काफ़ी, लगभग 36,000 किलोमीटर हम लोग घूमे पूरे उत्तराखंड में। नैसर्गिक सौंदर्य का नज़ारा, देवदार के बड़े बड़े पेड़ साहस बढ़ाते हुए और ऊंचे खड़े रहने का पाठ पढ़ाते हुए, निसंदेह इनके पाठ को हम जरूर पढ़ेंगे। और हाई स्पीड में निकला है, बिल्कुल हाई स्पीड में से। ठीक है, शॉट गया लड़की का, ठीक है, ये गाने के एंड एंड में कहीं पे आएगा। ठीक है, घर तो वैसे करेंगे ना, सोच रही है ये कर रही है वो कर रही है, 50 सीक्वेंस बनेंगे। जो लड़की यहाँ याद नहीं आती, वो यहाँ यहाँ अकेले खड़ी है, वहाँ से पुल से जा रहे हैं, वो जिसम से ज़्यादा जरा ले लो उसको, शूट कर लो। ये ताल, जिस ताल को हम सर्च करने आए हैं, ये धराली से ऊपर है, ठीक ऊपर, और उसकी हाइट तकरीबन 4,000-4,500 मीटर के लगभग है। और मेरी टीम दोबारा से रुक गई है, देखते हैं कि क्या उन्होंने एक्सप्लोर किया है। पानी की आवाज़, कलकल स्वर बहुत मधुर है, और ये हम देख सकते हैं 7 ताल का पहला ताल। जी हाँ दोस्तों, इस एरिया में 7 ताल हैं, उनमें से ये पहला ताल हमारे ठीक सामने है। क्योंकि मैं अरुणाचल प्रदेश होके आ चुका था, तो वहाँ पे जो सिमेट्री थी, जो माउंटेन्स थे, उसमें पहाड़ के आसपास कहीं पेड़ नहीं थे, क्योंकि वो हाई अल्टीट्यूड की जगह थी, तो वैसी जगह मुझे कहाँ मिलेगी, क्योंकि पेड़, अगर एक पेड़ भी उस जगह पर हो जाए तो वो बड़ा ऑब्स्टिकल सा लगता फ्रेम में। तो फाइनली हम लोग चकरौता की तरफ कहीं जा रहे थे, और तो मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ फ्लैट फ्लैट सा दिख रहा है, और मैंने उनको कहा कि भैया आप गाड़ी रुकिए, ऊपर चलते हैं, देख के आते हैं। और उस एंथुजियाज़म हम ऊपर बढ़े और हमने देखा तो वो कोहरा छटता गया और जैसी लोकेशन मुझे चाहिए थी ये बिल्कुल वैसी लोकेशन थी। जो नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोगों ने एक्सपीरियंस करी, जो वहाँ की जो वादियाँ थी, जो जिस पहाड़ पे हम लोग शूट कर रहे थे, उस पहाड़ के पीछे जो हिमालयाज हमें दिख रहे थे बर्फ़ से ढके हुए, इट वॉज़ अ मेजमराइजिंग सीन, एक पेंटिंग की तरह आप कह सकते हैं उसको, कि एज वी वर द पार्ट ऑफ पेंटिंग, वो एक सिनेरियो जो था दैट वॉज वेरी मेजमराइजिंग, दैट्स वेरी मेमोरेबल, और दैट्स द बेस्ट पार्ट। डायरेक्टर तो हमारे डायरेक्टर जो है वो हैं, तगड़े बंदे हैं, प्रॉपर हैं, वो तो भाग भाग के चले गए, मैं नहीं चल पाया। तो फिर पहुँचे, ऊपर पहुँचे, देखा तो मन में था कि यार यहाँ कैसे हो पाएगा,
खाली एम्प्टी पहाड़ी है और यहाँ नहीं रहने की व्यवस्था है, नहीं पानी है, नहीं बिजली है, और इक्विपमेंट कैसे आएंगे इतने ऊपर। पर ये था कि हाँ पहुँचे हम यहाँ, सोचा है करने की, तो अब डिसाइड किया कि नहीं करेंगे, यहीं करेंगे और अच्छा काम करेंगे। सही कहते हो सर, युद्ध शुरू हुआ है और हमें डरना नहीं है। 2015 में ऑडिशंस चल रहे थे फिल्म के, तो हम सब ऑडिशन देने गए थे वहाँ पे। तो ऑडिशन देते देते फिर हमें उसका रिप्लाई आया कि आप सिलेक्टेड हैं और आप वर्कशॉप में आ जाइए। तो हम वर्कशॉप में जाने लगे, वर्कशॉप करते 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 वहाँ पे अलग अलग चीज़ें सीखते थे हम। फिर कुछ दिन के लिए हमारा ब्रेक हो गया, फिर उसके बाद हम 2017 में मिले। इस फिल्म की बिगिनिंग से लेके और जब फिल्म फ्लोर पे गई है, तो मुझे काफ़ी सारे लोग मिले जो इस फिल्म को बनाना चाहते थे मेरे साथ, मगर उनके साथ कहीं ना कहीं मेरी वो जो कंपेबिलिटी थी वो मैच नहीं हो पा रही थी। जब मैं GSR प्रोडक्शन से मिला तो उन्होंने मेरे विजन को बड़ी अच्छी तरीके से समझा। अविनाश जो हमारी पिक्चर के डायरेक्टर भी हैं और लीड एक्टर भी हैं, वो आते हैं और इनफैक्ट उनका भी बहुत इंटरेस्ट था कि ऐसी कोई स्टोरी पूरी दुनिया के आगे लाई जाए जो कि एक रियल मार्टियर के ऊपर है, ऐसे हीरो को सबके आगे लाया जाए। उन्होंने मुझसे वो चीज़ शेयर करी और उस चीज़ को शेयर करने के बाद, जो कि मैंने भी उसके बारे में बहुत सुना था, उस हीरो के बारे में, तो मेरी भी काफ़ी चीज़ें मतलब सॉर्टेड हो गई कि यस वी हैव टू डू दिस। और उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि मैं अभी ये मेरी फर्स्ट फिल्म होगी एज अ डायरेक्टर, ये कैसे मैं बनाऊँगा, कैसे मैं करूँगा। उनको मेरे कन्विक्शन पे, मैंने जब उनको नरेशन दिया तो उनको मेरे कन्विक्शन पे बहुत भरोसा हुआ। तब फौज की जिंदगी तो यही होती है। मेरा इसमें जो चरित्र मैंने इसमें निभाया है फिल्म में, वो नायक लाली चमन करेक्टर है वो फिल्म में, लेकिन बहुत ही खूबसूरती से इमेजिन किया हुआ राइटर और डायरेक्टर के द्वारा, उसको बहुत अच्छे से पर्दे पर उतारा गया है। और मैं इसमें सिर्फ ये चरित्र निभाने तक सीमित नहीं रहा, इसके शुरुआती दौर में जो इसके लेखक निर्देशक हैं अविनाश ध्यानी, उनके साथ मैं उस वक्त इसमें जुड़ा था जब वो ये सपना लेकर के मुंबई से उत्तराखंड में आए थे कि मुझे इस युद्ध नायक के ऊपर एक फिल्म बनानी है। बद्री विशाल लाल की जय की जय जय। रोलिंग एंड एक्शन। कुछ मुझे लोकल एक्टर्स चाहिए थे, बॉम्बे से इतने सारे एक्टर्स को बुलाना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने यहाँ पे ऑडिशन लेना हमने मेरी टीम ने शुरू किए। कैसे मारेंगे दुश्मन को? चुन चुन के। एक गोली है दुश्मन। और एक्शन। काफी सारे बच्चे आने लगे। एक दो तीन चार। फिर हमने सभी को शॉर्टलिस्ट कर लिया क्योंकि मुझे एक बड़ी टीम चाहिए थी, और फिर हमने वर्कशॉप करना शुरू किया उन्हीं बच्चों के साथ। उन्हीं में से वर्कशॉप होते 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 फिर मुझे रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि ये जो लोग हैं, ये जो एक्टर लोग हैं, मैं इन्हीं को असिस्टेंट बनाऊंगा अपनी फिल्म में। जब मैंने इस फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था ना, मेरे दिमाग में तब था, मुझे लगा ठीक है कुछ कैरेक्टर मिलेगा, कुछ कैरेक्टर करूँगा मैं। बट उसके बाद हम एक टीम बन गए और मैं अविनाश सर के साथ जुड़ के काम करने लगा। बंकर बनना है आज, सीएम साहब का ऑर्डर है। हम लोगों ने ऐसा ऐसी चीजें की जो मतलब लाइफ में कभी सोची नहीं थी कि हम ऐसा कुछ करेंगे। मतलब पत्थर ढोने से लेकर सेट बनाने से लेकर इतना कुछ हम सब ने एक साथ किया कि मतलब मैं तो यही मजाक में बोलता रहता कि हमारी बेटी की शादी है भैया, हमें ये निपटानी है और अच्छे से अच्छे होनी चाहिए, कि कोई कंप्लेन ना करे कि आपने ये कमी कर दी।
जीत मैला गुरुंग। अपना सर के साथ बात हो गई थी, महिला तो चाइना सर में कितना ले पाएगा बोल रहा था, मैंने बोला सर 10 ना महिला तो 30 कर ले, बोला फिर हाँ ठीक है सर 30 है, बोले फिर अगले दिन क्या बोले ना 30 नहीं 60 करो, बोला फिर मैं 60 पूरा ले गया था सर। तो मुझे बताया गया कि मुझे अकाउंट्स का काम देखना है, तो मैं अकाउंट्स से रिलेटेड इसके लिए जुड़ा था, बट बाद में आके ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे और चीज़ें मतलब बदल गई, मुझे सारा काम करने का मौका मिला। ये रॉ है और जैसे हम एक्टिंग में कहते हैं कि रॉ कई बार बड़ा अच्छा काम कर जाते हैं, ऐसे ही मुझे लगा एज ए डायरेक्टर कि जो रॉ है वो कई बार एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर बहुत अच्छा काम कर जाएंगे आपके साथ। एक बहुत ही सीनियर आर्ट डायरेक्टर वहाँ पे आए थे और नो डाउट वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थे इस फिल्म को लेके, तो वो आर्ट डायरेक्टर आए वहाँ पे, उन्होंने देखा, फिर जब मैंने उन्हें बताया कि यहाँ से लेके ओ वहाँ तक का एक ट्रेंचर बनेगा और फिर एक ट्रेंचर नीचे बनेगा फिर एक ऊपर बनेगा फिर यहाँ बनेगा, तो उन्होंने वो समझ गए बहुत सी तो होने वाला है नहीं, तो फाइनली वो नहीं आ पाए। और फिर मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं दोबारा से बॉम्बे जाऊँ फिर मैं किसी आर्ट डायरेक्टर को फिर फाइनलाइज करूँ, तो कई बार आपकी बजट की लिमिटेशंस होती हैं, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा हद तक पुश नहीं कर पाते हो। तो आपको खुद करनी पड़ती चीज़ें, पीछे का कोई रास्ता नहीं है। और फिर अब जो हो सकता है वो होगा, लेबर नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, हम खड्डे खुद खोदेंगे, हम ट्रेंचर खुद बनाएंगे, हम बोरियां खुद उठा के लेके आएंगे और खुद बनाएंगे, पेंट खुद करेंगे, बैरक्स खुद बनाएंगे। और वैसा होता गया और मेरी टीम मेरे साथ मुझसे दो कदम आगे रही इस मामले में। अभी तक का टाइम 13:22, 3 टेंट। हम जिन गद्दों में सोते थे वो गद्दे ठंडे हो जाते थे, भीग जाते थे बारिश की वजह से, फिर उनको हम दिन भर में सुखाते थे, फिर उन्हीं में हम रात को सोते थे। लास्ट में एक तकिया ले ले माइला, कम ऑन माइला, कम ऑन, कम ऑन माइला, यस शाबाश, लगे लो शाबाश। अबे याक है याक, ये वेस्टर्न लगी आ गए। मेरे जो बाकी के प्रोफेशनल टीम थी उन्होंने मुझे अवेयर किया कि ये लोग कैसे कर पाएंगे, मान लो यही लोग कर पाएंगे नहीं तो ये फिल्म नहीं हो पाएगी। इसके लिए जिस तरह की ये रॉ लोकेशन है, जिस तरह की ये रॉ फिल्म है, आर्मी बैकग्राउंड पे रफ फिल्म है, इसके लिए मुझे वैसी रफ लोग चाहिए। और मैं उसके बाद बड़ा हैरान हुआ कि ये रफ के साथ बड़े टफ भी थे क्योंकि सारे भारी थे। और ये हमारे अविनाश सर साहिल गुलिया सिलेंडर के साथ फुल सिलेंडर, और अभी ओ हम पकड़ना है और एक बार थोड़ा सा समय बनता है। सर मुझे बहुत मुश्किल है आप कुछ बोल पाएँ, लेकिन फिर भी मन नहीं मान रहा है। 2200 मीटर की हाइट पे आप 100 के नीचे ये प्याज एंड आलू, मेरे को तो हंसी आ रही है बट आपको नहीं आ रही है, तो मतलब क्या है सर, मतलब क्यों ऐसा? सर पता क्या है कि ना, जो आपका सपना है, जो आपका ड्रीम है, आप उसको लेके कई साल अकेले चलते हो और फिर एक टाइम आता है कि जब उस सपने के साथ और लोग जुड़ने लगते हैं, जैसे आपके असिस्टेंट डायरेक्टर, आपके एक्टर, आपके प्रोड्यूसर, सब लोग जुड़ने लगते हैं, तो आपको लगता है कि आप जब कंधे हैं उन्हें थोड़ा और भार उठाना चाहिए। बद्री विशाल लाल की जय, की जय, की जय। अब हम ये हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं, इन सबको हम आज ड्रेस पहना रहे हैं, सबको रेडी करा रहे हैं वॉर के लिए, तो आज सबके साथ आज वॉर लड़ेंगे हम। अच्छा एक चीज़ देख रहा हूँ मैं आपके सेट पे, जितने भी लोग हैं क्या कहते हैं सबने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, मुझे भी आप लोगों ने यूनिफॉर्म पहनवा दी है। जी जी, मतलब क्या इसके पीछे क्या आप क्या सोच है इसके पीछे? हमारे फिल्म में हर एक पर्सन जो इस फिल्म में जुड़ा हुआ है वो हर एक सोल्जर है, हर फील्ड से, वो किसी भी फील्ड से हो वो हर एक सोल्जर की तरह काम कर रहा है, यही हमारी यूनिटी है, इसीलिए सब लगे हुए हैं सोल्जर के रूप में, कोई भी कहीं भी खड़ा हो सकता है, सब सोल्जर हैं।
और जो 1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ करके बैराट खाई एक जगह है जहाँ पर कि वो वॉर सीक्वेंस फिल्माए गए और फिल्म के कुछ अन्य दृश्य भी वहाँ फिल्माए गए, वहाँ तक पहुँचना मतलब जो स्थानीय लोग थे, जो जौनसार का वो क्षेत्र है जहाँ पर ये शूट हुआ, वो लोग कह रहे थे कि हम आश्चर्यचकित हैं कि आपने तो एक नगर बसा दिया है इस पहाड़ी के ऊपर। रोलिंग एंड एक्शन। इस वक्त जहाँ पर हम लोग खड़े हैं ये चीन और भूटान के बीच की हुई जगह है। मतलब जहाँ हम खड़े हैं ये हमारा मुल्क नहीं है? अबे हमारा ही मुल्क है। ये जमीन हमारी है। बस हमारे दोनों तरफ दूसरे मुल्क हैं। अच्छा? मतलब बेटा इधर से बचा तो उधर वाला गोली मार देगा और उधर से बचा तो इधर वाला गोली मार देगा। अबे चल, ऐसे कैसे कोई गोली मार देगा? अबे ऐसी पड़ती है गोली। अरे कोई नहीं मारता गोली। पेड़ के पीछे मूवमेंट है, पोजीशन लो जल्दी। बंदी रिवील रखी है, शॉट दिखा रहे दिखा रहे दिखा रहे, और बंदी जैसी निकली बाहर। एक्चुअली हम पहले डिसाइड कर लेते थे कि सर अगला सीन कौन सा होना है, कौन सा हमारा प्रिपरेशन, कौन सा क्या करना पड़ेगा हमें आगे के सीन के लिए। तो डायरेक्टर हमें पहले गाइड कर देते थे कि चलो बाबू ये अगला सीन ये ले रहे हैं तो वो सेट तुम रेडी कर दो जल्दी से जल्दी। तो हम जल्दी से जल्दी हम सेट रेडी करते थे जस्ट बिकॉज मैं कंटिन्यूटी शीट भी संभालता था, आधी बार मैंने क्लैप भी दिए हैं शूटिंग के दौरान। तो उसके बीच बीच में हम पूरा का पूरा जल्दी जल्दी सेटअप करते थे कि बोरिया वगैरह इधर से उधर रखना है, एमिनेशन बॉक्स वगैरह हैं, गन्स वगैरह हैं, और आर्टिस्ट कौन कौन से क्या क्या लगना है, तो थोड़ी कहीं लाशें फिल करनी है जैसे कि वायरिंग वगैरह दिखती थी सेट के दौरान पे कि यार तुम्हारे कैमरे मॉनिटर में तुम्हारी वायरिंग वगैरह भी दिख रही है। तो हम सोचते थे कि यार चलो यार जितना क्लीनअप का भी हम पैसा बचाएं या नून वगैरह तो जितना भी हम कम से कम में हम अपना कर सकें हम अपना बेस्ट देते हैं। देखा देखने शुरू हुए, आए 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 ऊपर को आए और फायर। एक तो आर्टिस्ट बहुत थे हमारे, जूनियर आर्टिस्ट बहुत थे, नाइटें बहुत शूट की हमने, कम से कम लाइट में मुझे फुल नाइट शूट करना रहता था और चाइनीज़ आर्मी के साथ इंडियन आर्मी के साथ, क्योंकि 250 केवी का जनरेटर हम लगाते थे रोड पे तो ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलोवाट मतलब मेरा लाइट ऑन हो पाता था। जो लाइट्स होती है या जो स्किमर होते हैं जो 20x20 फुट के होते हैं वहाँ पे इतनी तेज हवा चलती है कि एक स्किमर को पकड़ने के लिए भी आपको 20 लोग चाहिए, दो लोग, चार लोग, पांच लोग यहाँ से पकड़ के लटके हुए हैं, चार लोग पांच लोग यहाँ से पकड़ के लटके हुए हैं, हम लोग ने भी नीचे से पकड़ा हुआ है ताकि बस उस टाइम पे वो हिले ना। हवाई थी, तेज चलती थी और फिर मतलब ऊपर से मुझे ऐसा लगा कि जो इम्पॉसिबल लगा मुझे थोड़ा टास्क, मैं सोच रहा था जब हम रैकी पे गए तो सर बोल रहे थे यहाँ पर ट्रैक लगेगा, यहाँ पर जिम ही होगा, ये शॉट ऐसा होगा, जब सर नरेशन दे रहे थे तो मुझे लग रहा था मतलब यहाँ पर ट्रैक कैसे लगेगा, मतलब जिम यहाँ पर ये शॉट कैसे अचीव करेंगे हम, ये शॉट यहाँ पर तो सरफेस ही प्लेन नहीं है, मतलब बिल्कुल एक स्लोप है ऐसा, यहाँ पर सर बोले कि यहाँ पर मैं ट्रैक लगाऊँ, यहाँ से वो भागते हुए आ रहा है यहाँ पर सिर्फ, तो यहाँ पर जिम ही कैसे करेगा, ऑपरेट कैसे करेगा, मतलब पोजीशनिंग में प्रॉब्लम तो होता था क्योंकि पहाड़ी पे जो है एक तो ढलान वाली पहाड़ी थी पूरी और दो दो कैमरे माउंट करना, फिर जिमी जिप करना, ट्रैक के साथ जिमी जिप को प्रॉपर सेट करना, तो प्रॉब्लम होती थी, पर किया टाइम लगता था, शूट किया हमने। ये सब हमारी डायरेक्टर सर की मेहनत है कि जो हमें यहाँ तक खींच लाए, उनकी मेहनत, एक छोटे से बंकर से आज हम एक बड़े से पहाड़ पे, पूरा पहाड़ हमने मतलब कब्जा लिया, ऐसा लग रहा है कि ये शहर बसा दिया यहाँ पर। हर्षिल में तो हमने इतनी डिफ़िकल्टी फेस करी है कि वहाँ पे हमारे फ़ोन के सिग्नल्स ही नहीं आते थे, खाना टाइम पे नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वहाँ पे कंडीशंस ऐसी थी कि आप पहाड़ में हैं और पहाड़ में आप कैसे प्रोडक्शन हाउस कैसे वहाँ तक सब चीज़ें पहुँचाए क्योंकि वहाँ पे कोई ज़रिया ही नहीं था हम वहाँ तक पहुँच पाए। फिर भी हमने कैसे तैसे करके हमारे जितने भी एक्टर्स थे जो उत्तराखंड के हैं उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई
वहाँ पे हम गए, हमने शूट किया, भले बर्फ हो या पानी हो, हम वहाँ पे डटे रहे। अरे परेशान नहीं, क्या कर रहे हो यार? ओ पाजी, अरे इधर को खींच रहे जितने भी हमारी टीम में थे सब जुनूनी लोग थे। सबके ऊपर एक जुनून था कि कुछ न कुछ हमने करना है। बस वो नए थे पर मेहनती बहुत थे वो लोग, और काफ़ी सपोर्ट किया उन लोगों ने। बिना उनके फिल्म बन नहीं सकती थी हमारी। While I was writing the script, हम इसे गाने बनाना शुरू कर चुके थे। Actually 72 months, I would say, it started from then. It was while with Frederick I met Avinash Nani, a very talented actor then. He was deciding to directing this movie, and he narrated the subject to me about Yashwant Singh. तो कई बार ऐसा होता था कि मैं कहीं पे कुछ लिख रहा हूँ और फिर मैं अटका हुआ हूँ काफ़ी टाइम से, वो चीज़ आगे निकल के नहीं आ रही है। और सडनली एक दिन संजय दादा आते हैं और वो एक ट्यून बजाते हैं, एंड अविनाश दादा, दिस इज व्हाट आई नीड, दिस इज व्हाट आई नीड, ये ऐसे ही गाया था, ये मुझे अच्छा लगा। एंड मेरा दिमाग चल पड़ता है और मैं दादा को बोलता हूँ कि दादा आप मुझे ये दोबारा ये ट्यून चाहिए थी, इसे सुनाओ, फिर मैं अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड करता हूँ। देन बैक हियर इन बॉम्बे आई डिड द सॉन्ग, द होल सॉन्ग, एंड वी रिकॉर्डेड एंड एवरीबॉडी स्टार्टेड लाइकिंग दिस सॉन्ग। आई नेवर थॉट पीपल वुड लाइक दिस काइंड ऑफ सॉन्ग। एक सपना आँखों में दस्तक दे रहा, मिले वो वादिया और तू साथ है, फिर मिलेंगे हम, फिर गिरेगी लगे कम हो प्यार अपना बेपना, ये ना कभी जुदा हम हो आसमां झुके, ये चाहे ढूंढता था कब से ना जाने मैं जन्नतों के रास्ते, आए तुम जमी पे मेरे ही वास्ते,
उसको लड़की विजुलाइज हो रही है, वो फायरिंग में है तो उसको दिख रही है लड़की थी। शाम को बढ़ना वो फायरिंग में। अच्छा हमारा मतलब वॉर में है। हाँ मतलब लड़की जा चुकी है। धूप धूप छमके तेरी जुल्फों से जो गिर रही सांस सांस बनके जिंदगी में मेरी भर रही है। बाहों में आके तेरी है वो सुकून हमको मिला। दिस ट्रैक इज अनदर ट्रैक। हुआ क्या था, एक दिन मैंने गाना किसी और के लिए किसी और फिल्म के लिए बनाया था, इस गलती से अविनाश के पास पहुंच जाता है। इन 5 minutes ही कॉल्ड मी बैक, ही वाज समहाउ अप देयर इन द माउंटेंस फॉर हिज रेकी एंड ऑल दोस थिंग्स इन दोस डेज। बोले दादा इमीडिएटली डोंट गिव दिस सॉन्ग फॉर योर फॉर गॉड्स सेक टू एनीबॉडी एल्स एंड द सेम थिंग दैट ही डिड फॉर ओडे चंदा। बोले यू हाउ मेनी ट्रैक्स डू यू नीड, but he is a director, no? He had something in his mind going on. Kainat saari jab talak rahegi dastamari tab talak chalegi. गाने बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत मुझे बहुत पसंद आए और मेरे लिए एक बहुत टफ जॉब था इन गानों को करने के लिए, क्योंकि ये वॉर मूवी है और हम लोग जब कोरियोग्राफ करते हैं बेसिकली कोरियोग्राफर मींस लोग सोचते हैं नाचना गाना झूमना, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। ये अपने आप में एक बहुत बड़े चैलेंज की बात थी मेरी ये फिल्म करना और थैंक्स टू अविनाश। और लीक से हटके ये गाने हैं क्योंकि वॉर फिल्म है तो उससे रिलेटेड ये गाने हैं और मुझे बहुत मजा आया। मेरे पूरा क्रू और पूरी यूनिट पूरी टीम बहुत मजा आया, हम लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय करा। और रुको एक्सेंट बोलने का मत निकलो बोलते तू खा जा रहा केले केले मुट्ठी में अपनी जैसे कैद हौसले है, उड़ना नहीं अब हमें किस ओर चले हैं हम। मुझे सारी सिचुएशंस के बारे में बताया पहले और क्या क्या उसमें सीन्स रहेंगे और किस फीलिंग का ध्यान रखते हुए उसमें क्या क्या इमोशंस डालने हैं, तो उसके मल्टीपल ड्राफ्ट्स लिखवाए गए, वट एवर बेस्ट कोशिश किया और गाना बना। Go.
साथ हैं मेरे और है चंद लकीरें, किसने लिखी मुझे बता दे। तकदीर दू मैं खुद से हुआ दूर, धुंधला सा रास्ता दूरी है मिलो की सपनों से। ये पिक्चर बहुत ऐसे गानों के साथ भरी हुई है कि जिसमें प्यार भी है, मोटिवेशनल सॉन्ग भी है, जो कि एक दूरी है गाना, वो एक हमें मोटिवेट करता है। क्यों आँखों में चल रहा है कोई ख्वाब सा, कतरा कतरा बिखरा पलकों से। दूर गाना जब मैं कर रहा था तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। जो हमारे डायरेक्टर हैं अविनाश जी, उन्होंने मुझे फुल लिबर्टी दे रखी थी उसमें। मुझे ऐसा कोई बेसिकली होता ही, हम लोग जब काम करते हैं तो एक प्रेशर होता है कि यार आप एक दिन दो दिन तीन दिन में गाना खत्म करो। तो ये बेबी हम लोग देहरादून जब हम लोगों ने शूट करा तो 8 दिन हम लोगों ने इस गाने को देहरादून में शूट करा। 3-4 दिन का शेड्यूल हमारा हरसिल में गया है और चक्राता भी 4-5 दिन का शेड्यूल। तो मुझे इस गाने से बहुत ज़्यादा लगाव है। ट्रेनिंग का एरिया है फिल्म, बहुत छोटा सा है, वो कुछ 20 सेकंड के आसपास का है, मगर उसमें 1.5 महीना इन लोगों ने इन्वेस्ट किया। हमारी पूरी टीम ने ट्रेनिंग का ग्राउंड बनाया, पिलर खड़े किए और नीचे सड़क से कम 300-400 बल्लियां हम लोग ऊपर लाए, पत्थर फोड़े हम लोगों ने वहाँ पे, खड्डा खोदा। और ये सिर्फ मिस्टर अविनाश ध्यानी की तरफ से हुआ है, क्योंकि वो सबसे पहले चले जाते थे और फिर हम तो अपनी वानर सेना को लेके उनके पीछे पीछे हो ही लेते थे। ये प्रशिल भाई रंग रूट बन रहे हैं, देखिए यार बाल कटाए जा रहे हैं, कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत अच्छा, यहाँ से तो मैंने खुद काटे हैं। ये सूरज देखिए, ये बिल्कुल गंजा हो चुका है सूरज। ये परव कटारिया जी, वहाँ पे देख टी शर्ट है, ये कौन है जरा शकल दिखाइए प्लीज। विनय कैसे आप? बढ़िया। ये डंडा, ये देखो, ये रंगरूटों के मारने के लिए डंडा है, स्टिक। आप रंगरूट बन रहे हैं जी, कहना चाहेंगे रंगरूट? आप कुछ कहना चाहेंगे? सर कुछ बचा ही नहीं, देख रहे हो कुछ बचा है? सब कट रहा है, धीरे धीरे सब कट रहा है। ये देखिए किधर नए बाल काटने अब लाइन में लगे हैं, लाइन काफी लंबी है। तो फिर ये हमारा निकू भाई। नमस्कार। ले चल मुझको दूर, रूह कहती है मुझसे होने दे तकलीफें, आंखों से उतरे बूंद चल के। बहुत जिमी पे लो, अब क्या करो देखो, एक दो फिर बोलो बैंड मोशन, फटक से बैंड हटा, ये क्या है, चलो एक दो ये करो जल्दी से, फास्ट लग रहा हो, समझ गए? इस फिल्म में मेरे 3 बहुत खूबसूरत गाने हैं कंपोज्ड बाय संजय बोस, सो आप इन गानों को भी सुनिएगा, बहुत ही खूबसूरत गाने हैं। सो माय बेस्ट विशेस विद ऑल द पीपल, एस्पेशली अविनाश ध्यानी, जिन्होंने बहुत अपना ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है उनका ये फिल्म, यू नो फ्रॉम कॉन्सेप्चुलाइजिंग इट टू डायरेक्टिंग इट टू एक्टिंग इन इट। सो आई विश अविनाश ऑल द वेरी बेस्ट एंड मे 72 आवर्स
reach the hearts of millions of people. And my best wishes with 72 Hours. जब मैं स्टोरी के रिसर्च पे था तो मुझे एक एंगल पता चला कि जसवंत सिंह को कहीं ना कहीं लगाव हो गया होगा एक लड़की से, वैसे मुझे सुनने में आया था। उन्होंने मुझे एक चीज स्पेशली कहा था कि सुजाता तुम्हें जसवंत और अनमोला की लव स्टोरी को ऐसे एक्सप्रेस करना है कि उसमें प्रकृति का ज्यादा इन्वॉल्व हो, बारिश, हवाएं, मौसम, सावन, इस टाइप के शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल करना है क्योंकि उस जमाने का प्यार नेचर के ज्यादा इर्द गिर्द घूमता था। फिर मैं घर आई, फिर मैंने लिरिक्स का पहला ड्राफ्ट लिखा, तुम बेपनाह बरसी हो बूंद बन के फिसलती हुई जिस्म की रूह में। तुम बेपनाह बरसी हो बूंद बन के फिसलती हुई जिस्म की रूह में। Bepana was for the love angle that Yashwant Singh Rawat had, was going through in those days when he was battling with the Chinese people. And Noora stood by him as the support, a strong pillar of support. So he wanted the romantic angle, Tum Bepana, when he didn't know what to say to the girl. So that love is there, but he cannot. So it was a song that could have helped him to like express, you know. क्या ये सच है, ख्वाब है या कोई बोल दो ना, बोल दो ना, तुम बेपनाह। तुम बेपनाह बहुत खूबसूरत गाना है, रोमांटिक गाना है। और जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं संजय बोस, आई वांट टू थैंक हिम फॉर गिविंग दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं प्राशिल रावत, अविनाश जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के। और इस फिल्म को बेस्ट विशेष देना चाहता हूँ, और इसके जो बहुत खूबसूरत गाने हैं जिसमें से एक मैंने आज गाया है उसको लोग सुनेंगे और बहुत सारा प्यार मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। अग्निपथ का हूँ पथिक, मैं चलता हूँ हर सुबह हो शाम। तो दिस इज द मौका कि आई कैन डू समथिंग फॉर द यू नो फॉर द मदरलैंड, अ सॉन्ग फॉर द मदरलैंड। लेट्स डेडिकेट दिस सॉन्ग फॉर द मदरलैंड। वंदे मातरम, लाइक यू हर्ड द सॉन्ग अग्निपथ का लेटर ऑन, बट दैट वाज द फर्स्ट ट्रैक आई केम अप विद। अग्निपथ का हूँ पथिक, मैं चलता हूँ हर सुबह हो शाम। ढलते सूरज को जगा तू, लिख दू उस पे माँ का नाम। इन आखिरी लम्हों को मैं करूँ अलविदा, मैं अलविदा। रखू हौसला कर फैसला, माँ पे ये जान लुटाए हम। अब जीने और मरने की परवाह हमें नहीं, अब जीने की मरने की परवाह हमें नहीं।
सुगंधे पाजी ने गाना गाया है, जो मेरा मेन सॉन्ग है फिल्म का, सोल सॉन्ग जो है अग्निपथ। आई हैव नो वर्ड्स जिस तरह से उन्होंने गाने गाए हैं, जो मैंने इमेजिन किया था उस इमेजिनेशन के बियॉन्ड उन सभी गुणी लोगों ने इसमें गाने गाए हैं। अग्निपथ वाला गाना या शानदार का गाना बहुत ही जो फील है, जिस तरह का इमोशन है, उस इमोशन को कैरी करते हुए उन्होंने जो गाने गाए हैं, आई एम वेरी थैंकफुल। ओ वतन की माटी देखा थो में कसमें हमने खाई है, तन को कुर्बान करते हैं और रूह बन रह जाते हैं, तन को कुर्बान करते हैं और रूह बन रह जाते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है सर। पहली बात, जब उन्होंने गाया तो इस गाने में बहुत जान डाल दी। जब वो गा रहे थे वो खुद ऐसा फील कर रहे थे कि जैसे कि वो खुद वॉर में है और चाइनीज के सामने खड़े होके पूरी वॉर लड़ रहे हैं। तो बहुत अच्छे अमेजिंगली उन्होंने गाया। वो जब गा रहे थे तो हम जब सुन रहे थे तो हमें हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे, इस तरीके से उन्होंने गाना गाया पूरा फील के साथ। पूरे 6 घंटे लिए उन्होंने स्टूडियो में गाना गाते हुए। सुखविंदर सिंह है और इस वक्त आप जिस शख्स को देख रहे हैं इनका नाम है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह 1962 में भारतीय आर्मी की तरफ से, सेना की तरफ से इन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे जब अरुणाचल प्रदेश पे चाइनीज आर्मी अपना कब्जा जमाना चाहती थी। और इनके ऊपर जो फिल्म बनी है जिसका नाम है 72 आवर्स, उसमें इन तमाम चीज़ों को उन्होंने दोहराया है फिल्म के जरिए। और मुझे खुशी है कि इनके लिए एक देशभक्ति का गाना जो मैंने गाया है, ये मेरी तरफ से इनको मेरी सेवा समर्पित है। Boys, take your position! आग रहे! हमारी गोलियों की गूंज पीकिंग तक सुनाई देनी चाहिए। जो सुजीत शर्मा जी हैं वो उनको मैं तब से देखते आ रहा हूँ जब मैं आई वॉज अ चाइल्ड। जिस तरह से उन्होंने मुझे इस फिल्म को लेके मोटिवेट किया है, सेट पे मेरे साथ खड़े रहे हैं उतनी ठंड में, ही 63, और मुझे लगा कि मैं एक यंग एक्टर के साथ काम कर रहा हूँ। कि फोर्थ करवाल राइफल्स बेयोनेट की नोक पे चलती है। इवन मुकेश जी की एनर्जी, मतलब हैट्स ऑफ उनकी एनर्जी के लिए। बारक आज लाइन तोड़ो, बारक पे गो। सर लाइन थोड़ी, आप एक लुक दे दीजिए कि आप देख रहे हैं उसको, आप देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो। उसके बाद भी किसी ना किसी एक्टिविटी में वो लगा हुआ है। वो उनका जिस तरह का तरीका है माहौल को एकदम पॉजिटिव बना के रखने का, अभी तेरा डांस है और एज अ डायरेक्टर वो जिस तरह से मुझे सपोर्ट कर रहे थे, जो मैं कंसीव करना चाहता हूँ, मैं अलग अलग एंगल क्योंकि शूट करना चाह रहा हूँ, फिर मास्टर भी मुझे लेना रहा, मास्टर क्योंकि लेने का मतलब है कि फिर से 1 घंटा और जाएगा रात को, उसके बावजूद वो आपके साथ खड़े हैं और वो चाहते हैं कि वो आप पूरे टेक लो, आप पूरी जो भी आपने प्लानिंग की है उसको आप एग्जीक्यूट करो और हम आपके साथ खड़े हैं। हमारे पास एमिनिशन बहुत कम होता जा रहा है।
मुझे तेरी माँ की यही आदत सबसे ज्यादा बुरी लगती है, बस रोना शुरू कर देती है। तेरे बारे में कोई बात हुई और इसने रोना शुरू कर दिया। वीरेन सक्सेना जी हैं, अलका अमीन जी हैं, जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है, मैं एज एन एक्टर भी उनसे सीख रहा था, एज अ मेकर भी मुझे बहुत सारी चीज़ें उनके साथ समझ में आ रही थी कि यार किस तरह से वो लोग कितने सहजता के साथ वो परफॉर्म कर रहे हैं और कितने सपोर्टिव नेचर के वो हैं। अदरवाइज़ इतने बड़े क्रू के साथ और काम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, पर इस मामले में मेरी किस्मत बड़ी अच्छी थी। I met Abhinash Dayani and he described the full narration and mera matlab I was literally crying actually. Lekin jo is film, to be honest from my heart, like main with I am very proud to, like, you know, I should because I shouldn't say that list, but at least I could say that ye jo film maine jitna dil se kiya tha main, क्योंकि द कैरेक्टर आई एम वेरी मच लाइक यू नो प्राउड टू से दैट आई वॉज एसोसिएटेड विद दिस वंडरफुल मूवी कॉल्ड समली टू अवर्स थैंक्स टू अविनाश ध्यानी आई लव यू एंड द प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस मूवी प्रशील रावत थैंक्स जय हिंद से ऐसे ऐसा टाइम था कि कभी फॉरेस्ट फायर की हमें रिपोर्ट मिली और हम वहाँ पे ट्रैप हो गए थे, आग लग गई थी हर जगह। उस दिन करीबन हम लोग 17 से 18 बार हम लोगों ने वो पहाड़ चढ़ा और उतरे हम लोग, और कभी हम लोग स्टार्टिंग में सुबह सामान लेके जा रहे थे और शाम के वक्त करीबन रात 2:30 बजे तक भी हम लोग आग बुझाते रहे। वार फिल्म बनाते हो तो इंजरी तो होती ही रहेगी, और ये वार फिल्म के साथ जुड़ा हुआ है, एक इंजरी जो है वो वार फिल्म के साथ हमेशा जुड़ी रहेगी, पर इनका हौसला बहुत बुलंद था और ये लोगों ने अच्छा किया। अब आप ये सोचिए कि एक बंजर पहाड़ में जहाँ पे आज तक कोई लाइट नहीं जली हो, वहाँ पे हम पूरा सेटअप लेके रेडी हैं और हम बस रोल करने वाले हैं, और इतने में क्या होता है कि पूरे पहाड़ के इंसेक्ट्स, ओ माय गॉड, वो मैं भूल ही नहीं सकता, वो उन्होंने हमारे ऊपर लिटरली अटैक कर दिया। वो सिचुएशंस भी थी, प्लस तूफान आया, तूफान भी फेस किया, हम वहाँ से वाइंड अप करके हमें जाना भी पड़ा क्योंकि स्नोफॉल हो गई। पैराट खाई से ऊपर एक बड़ा पहाड़ था जहाँ पिछले कई दिन से शूटिंग कर रहे थे, वॉर का जो सिक्वेंस थे वो हमें शूट करने थे, जहाँ मैं पूरी वॉर दिखाने वाला था। कल रात को अचानक से मौसम ख़राब हुआ और पूरा ये एरिया बर्फ़ से ढक गया। आप देख सकते हैं पीछे इतना सारा बर्फ़ है, ये सारे जो टेंट थे, जितने भी टेंट हैं, ये कॉस्ट्यूम के टेंट हैं, इसमें मेरे मेकअप आर्टिस्ट, प्रोडक्शन मैनेजर, ये सब लोग रहा करते थे, और ये हैं मेरे चीफ एडी। हालत देखो कैसी हो चुकी है, पर हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, पर हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, हमारा शूट रुक गया है। लास्ट में पूरी रातों रात पूरी यूनिट को हमने शिफ्ट किया वहाँ से देहरादून, और हम कुछ लोग गिनती के 3 या 4 लोग हम बच गए थे वहाँ पे, जो कम से कम 3 महीने तक हम वहीं पे रहे। नहीं, सारा नीचे जा चुका है। अच्छा, ओके ओके। अगर कहें तो हमने नरक में एंजॉय किया, तो कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस था। हम लोग खड़े नहीं हो पाते थे, बाकी जो हमारे इंडियन सोल्जर बने हुए थे वो बेचारे सिर्फ जैसे रियल फौजी एक बॉर्डर में खड़ा रहता है, एक स्वेटर में, एक कपड़े के जूते में, और वो टेम्परेचर वहाँ पे माइनस था। मैं सोल्जर्स को सैल्यूट करूँगा
कि उन्होंने जो परिस्थितियां हमारी बॉर्डर में होती है सेम परिस्थितियों पे ये लड़ाई लड़ी है उन्होंने। कैसे मतलब कितने लोग वहाँ पे भागे हैं दौड़े हैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कैसे वो पहाड़ से नीचे कूदे हैं, गिरे भी हैं फिर चढ़े भी हैं, किसी की हिम्मत नहीं टूटी, बट हमने करा वो। मैं कुछ पंक्तियों में अगर इस बात को कहूँ कि ये एक व्यक्ति का देखा हुआ सपना था अविनाश का। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो साझा हो जाते हैं, एक व्यक्ति का देखा हुआ सपना और सबका साझा सपना बन गया। जिस तरह से उसने पिक्चर को बनाई है, जिस तरह से उसने किरदार को निभाया है, तो मैं चाहता हूँ, मैं तो ये समझता हूँ कि जो जसवंत सिंह की रूह है वो अविनाश जानी में सब आ गई थी। फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे समझ में आता था पहले कि फैमिली को क्या सरवाइव करना पड़ता है जब उनका हस्बैंड या उनका भाई या उनका कोई बेटा बॉर्डर पे होता है, पर जब इस फिल्म की शूटिंग हमने करनी शुरू की तो मुझे तब समझ में आया कि एक सोल्जर को बॉर्डर पे क्या फेस करना होता है, वो क्या फेस करता है लगातार, और वो सालों साल उस बॉर्डर पे खड़ा रहता है हमारे लिए और हमारी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखता है। कभी भी हमने ये मूवी को एज अ कमर्शियल मूवी नहीं देखा, हमने ये जाना, हमने ये देखा कि इस मूवी को अगर हम लोगों के सामने लेके आते हैं तो लोगों को पता लगेगा कि वहाँ एक ऐसा बंदा था जो कि साइलेंटली ही डाइड प्रोटेक्टिंग द कंट्री बट नोबडी नोज अबाउट इट। और उस हीरो को जिसको एक महावीर चक्र मिला है, हमने उसको पर्दे पे लाकर हमने कोशिश करी है कि इसको महावीर चक्र के बजाय इसको परमवीर चक्र मिले।